तो भैया टाइम हो रहा है सुबह के 6:03 और आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम सब मिलके इम्तिसाल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। तो भाई सरप्राइज ये है कि इम्तिसाल की हमेशा से दिली ख्वाहिश थी, उसका ड्रीम था कि वो टर्की आए। तो टर्की तो हम लोग आ गए, लेकिन टर्की में एक ऐसी खास जगह है जहाँ पे वो हमेशा जाना चाहती थी। और जब से मेरी उससे मुलाकात हुई है वो हमेशा कहती थी, यार कैपेडोकिया में ये जो हॉट एयर बलून्स होते हैं क्या फिट लगते हैं, मतलब काश मैं एक दिन जाऊं और मतलब ये सारा एक्सपीरियंस कर सकूं खुद से। तो इम्तिसाल को नहीं पता, इम्तिसाल अभी इस टाइम पे बाथरूम में नहा रही है, सुबह के 6:00। तो इम्तिसाल से मैंने ये कहा है कि हम लोग एक बड़ी फिट जगह इस्तंबुल में नाश्ते पे जा रहे हैं। इम्तिसाल को ये नहीं पता कि मैंने उसके लिए और अपने लिए और इनाया के लिए टिकट बुक किए हुए हैं इस्तंबुल से कैपेडोकिया के लिए। तो बस हम जल्दी से यहाँ से नीचे जाएंगे, चेकआउट करेंगे, और उसको ये लग रहा है कि हम किसी और होटल जाके इस्तांबुल में ही चेक इन करने वाले हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि हम यहाँ से फ्लाइट कैच करके जा रहे हैं कैपेडोकिया। वहाँ पे 3 या 4 दिन आराम से रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे, और उसका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम था वो आज पूरा होने वाला है। तो भाई चलते हैं फिर। अच्छा, तो सामान सारा पैक हो चुका है, इम्तिसाल जो है एक बैग लेके नीचे जा चुकी है, मैं दूसरा बैग लेके नीचे जाऊंगा। और इम्तिसाल चेकआउट करने काउंटर पे गई है और उसको अभी तक नहीं पता। हम लोग इस टाइम पे जाने वाले हैं एक दूसरे होटल में, यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, एक नए होटल में चेक इन करेंगे और बड़ा जोरदार नाश्ता फोड़ेंगे, है ना। बहुत भूख लग रही है, तो इम्तिसाल को बिल्कुल नहीं पता कि हम कौन से नाश्ते पे जा रहे हैं। चलते हैं, भूख लग रही है। सही जा रहा है, थोड़ा सा दूर थी वो जगह। यार हम एयरपोर्ट क्यों आ गए? वो नाश्ते वाली जगह यही है ना शायद। वापस जा रहे हैं? नहीं नहीं, वापस नहीं जा रहे। हम लोग पहुंच चुके हैं इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे। मेरे ख्याल से इम्तिसाल को वक्त आ गया है कि बता दिया जाए कि हम क्या करने वाले हैं और क्या सरप्राइज देने वाले हैं। इम्तिसाल कैसा फील हो रहा है? नाश्ते की जगह पे आ गए यार हम। नहीं, इम्तिसाल को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है भाई। तो इम्तिसाल अभी शौक की हालत में, इम्तिसाल को ये लग रहा था कि हम कोई फिट किस्म का रूफ टॉप पे नाश्ता करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि इम्तिसाल का हमेशा से ड्रीम था कि वो कैपेडोकिया जाए, तो तानी ने उसका ये ड्रीम पूरा कर दिया है। हम लोग आज ये फ्लाइट पकड़ के इस्तांबुल से कैपेडोकिया जा रहे हैं 4 दिन के लिए। तो चलते हैं इम्तिसाल, आ जाओ। नहीं चलो यार, आ जाओ। मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाइक मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही हो क्या है। तो मतलब क्या आप सब ने कभी किसी को सरप्राइज दिए? प्लीज कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करें। आई नॉट बिलीव कि तानी ने एक मुझे सरप्राइज दिया, बिकॉज जब से हमारी शादी हुई है तानी को मैं सरप्राइजेस देती हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ भाई। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ देने वाली कपल में। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है। मतलब मैं सुबह सवेरे से उठ के ये सारी प्लानिंग कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं ये पूरा सीन जो चल रहा है, लेकिन इम्तिसाल को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होने दी मैंने। लड़का बड़ा यार मतलब ऊपर से आता है। तो अब चलते हैं। आई एम जस्ट सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इम्तिसाल इमोशनल भी हो गई थी अभी। हाँ हाँ, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया था कि एकदम हो क्या रहा है। उसको भी इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। सो चले बोर्ड करने वाले हैं, एक्साइटमेंट आउट ऑफ द रूफ है। चले तो हम लोग इस टाइम पे हैं कैपेडोकिया। हम लोग इस टाइम पे अपने जहाज से नीचे उतर चुके हैं, कैपेडोकिया पहुंच चुके हैं। इनाया का प्रेम नहीं मिल रहा। At last, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल, which is a Dinley Cave Hotel, और literally ये केव के अंदर बना हुआ है। अभी हम ओनर के बेटे से बात कर रहे थे और ये लोग यहीं के लोग हैं, यहीं पैदा हुए हैं। इनफैक्ट उसका बाप यहाँ पैदा हुआ था in one of these rooms, which is crazy. तो हमारा रूम नंबर 8 है, which is the King Suite,
और अंदर इनाया मैडम हमारे लिए दरवाज़ा खोल रही हैं। तो जब आप एंटर करते हैं सबसे पहली चीज़ नजर आती है ये लिविंग रूम, और इतना कोजी है, मतलब मैं दिखाती हूँ आप सबको। यहाँ पे इन्होंने एक फायरप्लेस बनाई हुई है बिकॉज ठंड इधर लाइक स्नो पड़ती है, सो दे नीड लाइक अ रियली वार्म फायर। सो व्हेन वी एंटर इनटू द लिविंग एरिया एंड द स्लीपिंग एरिया, एक और क्यूट सा काउच इन्होंने बनाया हुआ है। और तानी ये जगह दिखानी जरूरी है, लुक अप हियर, छोटी सी है उन्होंने, जैसे होती है ना रूफ लाइट टाइप ओपन एयर, दैट इज सो क्यूट राइट। सो इन्होंने हमारे लिए एक कॉट यहाँ रख दिया है, हमारे लिए नहीं हमारी बच्ची के लिए। Are you okay? लेकिन she hates living in a cot, so दुआ करें ये cot में सो जाए। Then we've got this king bed, जो के comfy लग रहे हैं। Yeah, super comfy. Oh, unique चीज दिखाती हूँ सबको। ये toilet और sleeping area के पीछे एक शीशा लगा हुआ है। So मर्जी होती है आपकी कि क्या prefer करते हैं। बाथ के अलावा इधर अंदर shower भी बना हुआ है with two shower heads। ये क्या सीन? डिटेल्स यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, लाइक जस्ट रियली टाइनी डिटेल्स हैं। सो नीचे तानी और रिनाया है ग्राउंड लेवल पे, और मैंने 3 लेवल्स ऊपर क्लाइम किया है, और यहाँ की लड़की मेरे लिए और तानी के लिए टर्किश कॉफ़ी बना रही है। सो लेट्स हैव इट। शुगर ओके बॉइल हो रही है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। यही तो थी, यही तो होती है। मतलब लग रहा है ये मैंने वो शॉट ले लिया, कॉफी शॉट। यही है, टर्किश ऐसे ही पीते हैं। ज्यादा बेहतर है कि भाई मैं औकात में रहूं और तरबूज खाऊं। मीठा वैसे ही नया की थी, लेकिन मुझे ट्राई करनी है। वाओ, क्या अलग टेस्ट है। उफ, लग रहा है रायता डाला हुआ है इसके ऊपर। डिलीशियस। सुबह के 3:30 हो रहे हैं, इंतजार ने मुझे पागलों की तरह उठाया है, और तानी ने उठते ही नहा लिए। वो तो जाहिर है क्योंकि आंखें नहीं खुल रही थी यार। तो हम लोग जा रहे हैं हॉट एयर बलून के लिए, गाड़ी बाहर वेट कर रही है, जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं। मैंने 4 या 5 लेयर्स पहनी हुई क्योंकि यहाँ सख्त सर्दी है, और मैंने जैकेट पहन ली है इनाया को उठा के रेडी करके पायलट। तो बस अब जो नेक्स्ट सीन आएगा वो इंशाल्लाह आएगा हॉट एयर बलून का, आप लोग देखें। आई थिंक गाड़ी आ गई और सबसे लेट हम हैं। चलो भाई भागो, वेट कर रहे हैं सब हमारा। इस वक्त हम हवा में हैं, बलून में हैं, और ऐसे लोग भी बोलेंगे हम लोग हर वक्त हवा में होते हैं यार, मतलब क्या सीन है, कभी तो नीचे आओ, लेकिन आज हम लिटरली हवा में हैं। एक्सपीरियंस है ना ये इन इटसेल्फ बहुत अमेजिंग है। मतलब मैंने ये सुना है कि यहाँ पे दिन में 100 से ज़्यादा हॉट एयर बलून जो हैं जाते हैं हवा में, और 2,000 से 3,000 लोग जो हैं वो ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरी लाइफ लॉन्ग ड्रीम, मेरा ख्वाब, मेरा डिज्नी मोमेंट पूरा हो गया है आज, और एक बहुत डीप सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, अनरियल, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वाकई में अल्फाज में आप बयान नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये सरप्राइज जो है इंतिसाल को दे दिया है फाइनली। चलो बस चल के खाना खाते हैं। अच्छा यहाँ पीछे जो है वो इन्होंने रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम किया हुआ है, जिसमें शराब वराब है, तो शराब तो हम पीते नहीं है क्योंकि हम वैसे ही हाई रहते हैं, हम वैसे ही जिंदगी पे हाई रहते हैं, वैसे ही टिप्सी विप्सी गिरते फिरते रहते हैं, पेन की जरूरत नहीं है, लेकिन पोपट नाश्ता नहीं हो जाए यार। ये जगह बहुत फिट है भाई, मतलब यहाँ से जो कैपेडोकिया का जो व्यू आता है ना एरियल, मतलब सारे पैसे जो है वो इस व्यू के हैं, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, मतलब आप सुबह उठ के जब निकलते हो
भाग रहे होते हो पागलों की तरह, नींद में होते हो लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आपको लग रहा होता है आप ख्वाब देख रहे हो या मतलब आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हो, लेकिन अनरियल है, अमेजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनली बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, मतलब ये हमारा पहला आई थिंक टर्किश ब्रेकफास्ट है, क्योंकि अभी तक हम नाश्ता नहीं कर रहे थे ना रोज, एंड आई हैज लाइक चीज बहुत मजे का, इट्स रियली गुड। यस तो शाम का वक्त हो चुका है और आज की क्रेजी अमेजिंग मॉर्निंग के बाद तानी ने और बहुत चीज़ें प्लान की हुई हैं, तो आज शाम हम कर रहे हैं क्वाड बाइकिंग। बड़ा मजा आने वाला है भाई, बता रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे एक्चुअली लाइक सच बोलूं तो डर लग रहा है। इंतजार की हालत थोड़ी सी पैक है क्योंकि इसने जिंदगी में कभी बाइक नहीं चलाई है और खास तौर पे ये क्वाड बाइक तो इसने कभी भी नहीं चलाई है, तो इसको ये नहीं पता कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, स्पीड कम ज्यादा कैसे करनी है। मुझे आइडिया है क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं और लौंडे हैं, मतलब CD70 चलाने वाले लोग हैं। तो अच्छा जो आइदर इंस्ट्रक्टर है उसने कहा है कि ही इज गोना गिव मी अ चांस टू लाइक प्रैक्टिस, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है और मतलब हमें ज़्यादा स्पीड पे जाने की जरूरत नहीं है। और मैं इंसिस्ट कर रही थी, आई वाज लाइक मुझे और तानी और इनाया को एक ही बाइक पे आप जाने दें, और वो कह रहे हैं कि दो लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते, और इनाया इज़ लाइक अ हाफ पर्सन एनीवेज, लेकिन मज़ा आएगा। हाँ इंशाल्लाह। तुम्हें ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पीड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मैं 5 स्पीड पे चलाऊँ? तुम जितनी स्पीड पे तुम चला सकती हो, जिस पे तुम्हारी हालत पैक ना हो, हालत टाइट ना हो, तुम उस स्पीड पे चलाओ। बल्कि तुम कभी कभार ये भी कर सकती हो कि उसको रोक के तुम भागती भी आ जाओ हमारे साथ। हाँ ओके। अच्छा दी अदर थिंग इज अभी सनसेट होने वाला है, 6 बज रहे हैं, सो 8 बजे तक हम इंशाल्लाह बाइकिंग करेंगे और सो सनसेट के लिए मैं बहुत इसके शॉर्ट्स दिखाते हैं ना लोगों को। बहुत इंटेंस थी, मैं एक पॉइंट पे चीखे मारी थी लिटरली, तानी बिल्कुल आगे था और मैं प्रीटी मच बिल्कुल पीछे थी, और इनाया हैज बीन रियली गुड। हम लोग इस टाइम में मौजूद है लव वैली में, ये लव वैली है, यहाँ पे लव इज इन द एयर बेबी। हमने इतनी लंबी क्वाड बाइक नहीं की ना, नहीं कभी नहीं की मैंने, तो कभी नहीं की, मेरा अंगूठा वो हो गया सोर at one point I was using that, yeah. So guys, I'm riding this quad bike and making this video at the same time, and as I was screaming my heart out of thrill and happiness, I couldn't help but be grateful. Mujhe yakeen hi nahi ho raha tha ki Tani ne itna amazing surprise mere liye plan kiya hai. एक मैंने पोस्ट कार्ड कहीं देख लिया था बचपन में, और उस वक्त से मेरे दिल में ये जगह बैठ सी गई थी, और आज वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। But all of this other stuff, oh, the large sunrise and sunset. What the heck is going on? Tani कह रहे यार ये. It really was a cherry on top. From the flight to the hotel to everything in between, ये quad tour भी बहुत ज़्यादा amazing था. और ये memories मेरा दिल कर रहा था मैं दिल और दिमाग में हमेशा के लिए capture कर लूँ. We lived every second of the day to the fullest, and then it was time for a hot, amazing Cappadocian meal. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. तो अब हम जिस जगह जा रहे हैं ये है कैपेडोकिया की मोस्ट इंस्टाग्रामेबल जगह, और दूर दूर से लोग ब्लॉगर्स और पता नहीं जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो यहाँ पे लाजमी आते हैं। तो भाई ये दुकान है, यहाँ पे कालीन ही कालीन मिलते हैं, यहाँ पे हैंडमेड टर्किश कालीन मिलते हैं। इट्स कॉल्ड गैलरी इकमान, और मतलब छतों पे कालीन है, दीवारों पे कालीन है, और बहुत ही मतलब अमेजिंग हैंडमेड कैपेडोकियन कालीन है। तो हम लोग इस टाइम पे दाखिल हो चुके हैं गैलरिया इकमान में, तो ये हैं भाई अंदर के नज़ारे और व्यूज, मतलब यहाँ पे कालीन ही कालीन है चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ कालीन ही कालीन है। यार इस जगह आके मुझे मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें बनाई किसने, लग रहे जैसे
20-30 बुड्ढी बाबियाँ इकट्ठी हुई हो, उन्हें सबने मिलके कारपेट्स और ये एंटीक्स और ये सारी चीज़ें सी हों और बनाई हों और फिर यहाँ इकट्ठी करके लगाई हों, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड लाइक अनलाइक एनीथिंग आई एक्चुअली एवर सीन इन माय लाइफ. तो हम ट्राई कर रहे हैं ट्रेडिशनल ऑथेंटिक कैपेडोकियन फूड. सो यहाँ पे हमारा मिक्स ग्रिल है और ये मिर्च देखें, ये मुझे पता है तानी पूरी खाने वाला है, ये मिर्च के बगैर रह नहीं सकता. और ये इनका, इस रेस्टोरेंट का नाम बाय द वे कैन कैन है, और ये इनकी कोई स्पेशल डिश है, इट्स कॉल्ड टेस्टी कबाब. टेस्टी कबाब, वो इसको वो टेस्टी नहीं कहते, वो टेस्टी कहते हैं, लेकिन हाँ इसको मैं ट्राई करती हूँ. बाय द वे बारिश हो रही है. तो आखिरकार वो वक्त आ गया है जो हर वीडियो में आता है, इस जगह को गुड बाय कहने का. और वाकई में मतलब जो कुछ दिन हमने यहाँ पर स्पेंड किए, दे वर सम ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ. मैं तो अल्टीमेट रिलैक्सेशन में चली गई, बिकॉज यहाँ की जो गलियाँ हैं लाइक डिस्क्राइब ही नहीं मैं कर सकती, इतनी मज़े की एक फील आ रही है, रिलैक्सिंग एंड जस्ट सो लाइक हॉलीडे, एंड बहुत अच्छा लगा. अच्छा, इस खूबसूरत से टाउन की सबसे खूबसूरत जो हिस्ट्री है वो बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है. तो ये जो कैपेडोकिया टाउन है भाई, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो लावा जो है वो फटा था, मतलब आतिशफशां जो पहाड़ होते हैं वो फटे थे, उसकी वजह से लावा जो है पूरे शहर में बिखर गया था. और उसकी वजह से जब कुदरत जो है उसका करिश्मा देखेंगे, यहाँ पे बारिशें हुई, यहाँ पे सर्द मौसम, अच्छा यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है और फिर हवा चलती है, तो उसकी वजह से ये खुद ब खुद ये जो ये पहाड़ नुमा टीले जो हैं, चट्टाने जो हैं, ये फॉर्म हुए और इनमें गारें बन गई हैं. अच्छा, इनका इनको फेरी चिमनीज भी बोलते हैं यहाँ के लोग, because they look so amazing. हाँ, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे इन्होंने यहाँ पे दुकानें बनाई हैं लोकल्स ने, जो यहीं के रिहायशी हैं, इसमें हैंडमेड कारपेट्स भी हैं और इसमें मतलब कपड़े भी हैं, हर चीज़ है. तो ये जो चीज़ है ना, इस जगह को चार चांद लगा देती है. तो इसी के साथ हमारा जो ये कैपेडोकिया का खूबसूरत टूर है, जो ये विजिट था हमारा और इंतजार को जो हमने सरप्राइज दिया हम सब ने मिलके, वो कंप्लीट होता है. अब मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से किसी और जगह पे, किसी और नई वीडियो में. हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार. ये हमें एप्रिकॉट मिला आई थिंक, है ना? हाँ. यहाँ का डिलीशियस फल रही. हाँ, अभी कच्चा है. ईट ओके ओके.